हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ द एरगोट। एरगोट की लाइफ साइकिल फार्माकोग्नोसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये, और बहुत बार ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है। आपके डिग्री एग्ज़ाम हो या डिप्लोमा एग्ज़ाम हो, फार्मेसी के हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। दूसरी बात ऐसी है कि हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्ट लगता है अंडरस्टैंड करने में। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा। ओके, सो बाद में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया क्या नहीं। सो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपकी तरफ नोटिफिकेशन उनका आ जाए। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ एरगोट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि एरगोट क्या है। ओके, एरगोट इज अ ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ द फंगस। ये क्या है? फंगस का कौन से, क्लाइविसिप परपुरिया फंगस का ड्राइड स्क्लेरोटियम है एरगोट। ओके, एरगोट एक डिसीज है। इट इज ए डिसीज कॉज्ड बाय द फंगस की वजह से क्या होता है, कॉज होता है। कितनी स्पीसीज है उसके, उस फंगस के 50 तक उस फंगस के क्या है, स्पीसीज है, जैसे क्लाइविस परप्यूरिया। ओके, इंडिया में जो है 2 स्पीसीज ज़्यादा फेमस है, क्लाइविस परप्यूरिया एंड क्लाइविस फ्यूजीफॉर्म्स। ओके, क्लाइविस परप्यूरिया एंड क्लाइविस फ्यूजीफॉर्म। आगे देख लीजिए, अगर ये फंगस है क्लाइविस एरगोट हमारा क्या है, ये फंगस है क्लाइविस परप्यूरिया का, तो ये फंगस पैरासाइट होता है। पैरासाइट यानी खुद का अन्न वो खुद नहीं बना सकता, उसे दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहना पड़ता है उसका फूड मटेरियल के लिए। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, क्लाइविस परप्यूरिया की फैमिली क्या है, क्लाइविसी पीटियासी एंड हाइपोक्रियासी डेवलप्ड इन द ओहरी ऑफ रे प्लांट। किसके प्लांट, ओहरी में डेवलप होता है, रे प्लांट के, दैट इज स्केली, एस ई सी ए एल ई, स्केली सीरल्स फैमिली ग्रामिनी। फैमिली क्या है उसकी, ग्रामिनी। मीन्स ये फंगस पैरासाइट किस पे डिपेंड रहता है, रे प्लांट पे डिपेंड रहता है फॉर द पर्पज ऑफ देयर फूड मटेरियल। ओके, और ग्रामिनी फैमिली के दूसरे भी एग्जाम्पल है, वीट है, ज्वार है, बाजरा है, इट इज़ अ ग्रास फैमिली। तो इस पे भी क्या होता है, फंगस ये ग्रो हो सकता है और होता भी है। ग्रामिनी फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड एज, उसका नाम क्या है दूसरा, पोएसी, पी ओ ए सी ई ए, क्या नाम है उसका, पोएसी उसका नाम है। ओके, अगर इस प्लांट को ग्रो होना है, एरगोट को ग्रो होना है, तो टेम्परेचर कंडीशन है 18 to 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या है टेम्परेचर कंडीशन, 18 to 30 डिग्री सेल्सियस। अगर एरगोट का पॉइजनिंग हो गया, सपोज एरगोट प्लांट किसी ने डाइजेस्ट खाने पे यूज़ किया और ज़्यादा उसका इंजेक्शन हो गया, तो उसके बाद पॉइजनिंग होता है, तो कंडीशन इज कॉल्ड एज एरगोटिज्म। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एरगोटिज्म कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दीज आर द जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली एरगोट और ड्राइड स्क्लेरोटियम फॉर्म कैसे होता है, ड्राइड स्क्लेरोटियम फॉर्म कैसे होता है फ्रॉम द फंगस इन द रे प्लांट में, वो पूरा उसका साइकिल कैसा है एग्जैक्टली देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये देख लीजिए, स्केली सीरल्स, यानी कि उसका नाम क्या है, स्केली सीरल्स यानी क्या नाम है उसका, राई। क्या नाम है, राय नावाचा धान्य, मराठी में उसके कहते हैं राय नावाचा धान्य, इंग्लिश में बोलते हैं राई। गेहूं की तरह ये दिखने वाला है। ओके, गेहूं की तरह ये क्या है, ये ग्रेन से इसका गेहूं की तरह ये दिखने वाला है, और यहाँ पे जो डेवलप हुआ है ये क्या है, स्क्लेरोटियम है। क्या है ये, यही हमारा क्या है, एरगोट है, यही हमारा क्या है, एरगोट है। ओके, स्क्लेरोटियम है, यही हमारा एरगोट है। नेक्स्ट, ये है लाइफ साइकिल। एग्जाम में लिखते हो तो इस तरह की आपको लाइफ साइकिल लिखनी पड़ेगी, लेकिन अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा चेंजेस है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए कि ये एस्कोस्पोर्स है। एस्कोस्पोर्स क्या फॉर्म करते हैं, माइसिलियम कैंडिडी फॉर्म करते हैं, देन स्क्लेरोटियम, देन स्ट्रोमा, देन पेरिथिकम विद द स्ट्रोमा विद द पेरिथिकम, देन एस्कीज। ओके, एस्की विद द एस्कोस्पोर एंड फिर एस्कोस्पोर, ये साइकिल आपको कंटिन्यू हो जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप ये लिख सकते हो, अंडरस्टैंड होने में नेक्स्ट आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये सब स्ट्रक्चर
क्या है और कैसा है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए। स्टेजेस क्या है एग्जैक्टली इसके समझ लीजिए। ओके, फर्स्ट स्टेज इज द एस्कोस्पोर। किसी भी एक स्टेज से चालू कर सकते हैं हम, क्योंकि एक साइकिल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज दैट इज एस्कोस्पोर, देन सेपेसिलिया और द असेक्सुअल स्टेज, एंड थर्ड स्क्लेरोटियम स्टेज दैट इज द रेस्टिंग और द डोमिनेंट स्टेज, रेस्टिंग एंड द डोमिनेंट स्टेज। अब ये स्टेजेस है, यानी कि क्या हो रहा है, एस्कोस्पोर्स फॉर्म हो रहा है, सेपिलिया स्टेज है यानी कि क्या हो रहा है, सेपिसिलिया सॉरी सेपिसिलिया क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। स्क्लेरोटियम स्टेज है यानी कि क्या हो रहा है, स्क्लेरोटियम यहाँ फॉर्म हो रहा है, उस स्टेज को क्या कहते हैं, स्क्लेरोटियम हम स्टेज कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कि इन्फेक्शन टू द ओहरी ऑफ द रे प्लांट, ओहरी के रे प्लांट के ओहरी को क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, और ओहरी कन्वर्ट किस में होने वाली है, ग्रेन्स में होने वाली है, फ्रूट में होने वाली है। ओके, तो क्या होगा, ओहरी के प्लांट को इन्फेक्शन होगा, देख लीजिए आप यहाँ पे डायग्राम में आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। ये है अपना पूरा ही ग्रेन्स है, ग्रेन्स का वन फ्लोरेट लिया है, और एक फ्लोरेट में देख लीजिए ये एंथर है। ओके, ये इसका ब्रैकेट है, ये स्टिग्मा है, और यहाँ पे नीचे क्या है, ये यहाँ पे नीचे क्या है, ओहरी है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इन्फेक्शन होने वाला है। ओके, ये है पूरा प्लांट, तो यहाँ पे वो क्या होने वाला है, इन्फेक्शन होने वाला है। ओके, ये इन्फेक्शन कौन करने वाला है, बाय द एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर्स क्या करने वाले हैं, ओवरी को इन्फेक्शन करने वाले हैं, इन द स्प्रिंग और दी और इन दी समर सीजन। कब करने वाले हैं ये, इन द स्प्रिंग सीजन और दी समर सीजन। ओके, इंडिया में बात की जाए तो मार्च और अप्रैल जो हम कहते हैं, मार्च और अप्रैल मंथ जो है वो क्या होते हैं, स्प्रिंग सीजन में वो आते हैं, और उसके बाद भी समर चालू होता है, तो फिर उस सीजन में एस्कोस्पोर क्या करेंगे, ओरी को इन्फेक्शन करेंगे। ओके, नेक्स्ट दिस इज दी एस्कोस्पोर्स, ये एस्कोस्पोर्स क्या करेंगे, ओरी को इन्फेक्शन करेंगे। ओके, स्प्रेड ऑफ द एस्कोस्पोर्स टू द ओरीज, एस्कोस्पोर्स क्या हो गए, पहले इन्फेक्शन करेगा और पूरा बाद में क्या करेंगे, स्प्रेड हो जाएंगे वहां पे, ठीक है, ओरीज पे। ओके, ओरी फ्रूट में कन्वर्ट होने वाली है। द जर्मिनेशन ऑफ द एस्कोस्पोर्स इन ए फेवरेबल कंडीशन, ये इन्फेक्शन कर दिया समर में, ओके, समर में और स्प्रिंग में इन्फेक्शन कर दिया, स्प्रेड हो गए, बाद में क्या होने वाला है उसका, जर्मिनेशन ऑफ एस्कोस्पोर इन द फेवरेबल कंडीशन। ओके, एंड विच इज द फेवरेबल कंडीशन, दैट इज द विंटर। ओके, मेनली क्या होता है, विंटर में क्या होता है, ये फेवरेबल होता है। ओके, इसे कहते हैं विंटर स्टेज। ओके, इसे क्या कहते हैं, विंटर स्टेज कहते हैं। देन नेक्स्ट द फॉर्म्स दिस एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट, एंड आफ्टर द जर्मिनेशन दिस एस्कोस्पोर्स फॉर्म्स हाइपल स्ट्रैंड विच इन्वेडिंग द वॉल ऑफ द ओरी। ये क्या करता है, एक हाइपल स्ट्रैंड फॉर्म करता है, मीन्स ऐसा इलांगेटेड स्ट्रैंड फॉर्म करता है, और वो क्या करता है, वॉल ऑफ द ओरी को क्या करता है, वॉल ऑफ द ओरी को इन्वेड करता है। ओके, नेक्स्ट द हाइपे फॉर्म्स ए सॉफ्ट वाइट मास। ओके, ये हाइपे जो स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है, हाइपे स्ट्रैंड, ये क्या करता है, फॉर्म्स ए सॉफ्ट एंड वाइट मास नोन एज सेपेसिलिया। उसे क्या कहते हैं हम, सेपेसिलिया, एंड इसी स्टेज को क्या कहते हैं, सेपेसिलिया स्टेज। इसी स्टेज को क्या कहते हैं, सेपेसिलिया स्टेज ऑफ टिश्यू ओवर द सर्फेस ऑफ ओरी कॉल्ड एज ए माइसिलियम। ओके, ये जो व्हाइट मास है ये स्प्रेड हो जाता है ओवर द सर्फेस ऑफ ओवरी के सर्फेस पे स्प्रेड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, माइसिलियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, माइसिलियम कहते हैं हम उसे, ठीक है। देन नेक्स्ट माइसिलियम सिक्रीट द विस्कस शुगरी फ्लूड कॉल्ड एज ए हनी ड्यू। ओके, माइसिलियम सिक्रीट द विस्कस शुगरी फ्लूड कॉल्ड एज ए हनी ड्यू और सेपेसिलिया और द असेक्सुअल स्टेज। इसे क्या कहते हैं, हनी ड्यू स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि हनी फॉर्म होता है। सेपेसिलिया ये व्हाइट मास जो है स्प्रेड हो रहा है उसे माइसिलियम और सेपेसिलिया कहते हैं, वो क्या कर रहा है, वो सीक्रेट कर रहा है हनी ड्यू, और इस स्टेज को भी क्या कहते हैं, असेक्सुअल स्टेज कहते हैं। क्यों कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आप देख लीजिए, एट द सेम टाइम द हाइपल स्ट्रैंड प्रोड्यूस ए असेक्सुअल स्पोर्स। इसी टाइम में हाइपल स्ट्रैंड क्या करता है, असेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और उसे कहते हैं कैंडिड स्पोर्स और कैंडिडियो स्पोर्स और द कैंडिड। उसे क्या कहते हैं, कैंडिडियो स्पोर्स और द कैंडिड विच सस्पेंड इन द हनी ड्यू,
जो कि हनीड्यू में क्या होता है, सस्पेंड, उस विस्कस और शुगरी फ्लूड में क्या रहता है, सस्पेंड रहता है। ओके देन नेक्स्ट, इंसेक्ट एंड अट्रैक्ट टूवर्ड्स द हनीड्यू। हनीड्यू विस्कस है, शुगरी है, तो बाहर के जो इंसेक्ट्स है वो क्या होगी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके और एंट्स क्या हो जाएंगे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, द स्प्रेड्स इन्फेक्शन टू द अदर होस्ट प्लांट। देखिए एक प्लांट है, एक प्लांट पर अभी हनीड्यू वगैरह स्टेज फॉर्म हुई है, इंसेक्ट आ रहे, एंट आ रहे, तो ये क्या हो गए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, वहाँ का इन्फेक्शन लेकर दूसरे प्लांट पे जाएंगे। ओके वहाँ पे भी इन्फेक्शन क्या होगा, कॉज होगा, ठीक है, वहाँ पे भी इन्फेक्शन क्या होगा, कॉज होगा। देन द हाइपे इन्फेक्शन इन्फेक्ट डीपर पार्ट ऑफ द ओवरी। हाइपे जो फॉर्म हुआ है ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करता है, डीपर पार्ट ऑफ द ओवरी को इन्फेक्ट करता है एंड रिप्लेस द एंटायर टिश्यू ऑफ ओवरी। ओवरी का जो एंटायर टिश्यू है उस एंटायर टिश्यू को क्या करता है, ये रिप्लेस करता है बाय द कॉम्पैक्ट टिश्यू। किससे, कॉम्पैक्ट टिश्यू से, उसे कहते हैं सूडो पैरेन्काइमा। उस टिश्यू को क्या कहते हैं, सूडो पैरेन्काइमा। ओके इट इज हार्ड एंड डार्क, ये क्या है, हार्ड एंड डार्क टिश्यू कॉल्ड एज ए स्क्लेरोटियम। उसे क्या कहते हैं, स्क्लेरोटियम कहते हैं, जो कि सूडो पैरेन्काइमा है, हार्ड एंड डार्क पर्पल है, उसे कहते हैं स्क्लेरोटियम। देन दिस इज स्टेज इज कॉल्ड एज ए स्क्लेरोटियम स्टेज। ओके स्क्लेरोटियम तैयार हो रहा है तो क्या हो रहा है, स्क्लेरोटियम स्टेज हो रहा है। ओके और दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग और द डोमिनेंट स्टेज। इस स्टेज को और भी क्या कहते हैं, रेस्टिंग एंड द डोमिनेंट स्टेज कहते हैं, कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एर्गोट अल्कोलाइट। इस एर्गोट स्टेज में क्या हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एर्गोट अल्कोलाइट प्रेजेंट है, सो दैट्स वाई दिस स्क्लेरोटियम इज कॉल्ड एज एर्गोट। ओके एर्गोट इसीलिए कहते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं फॉर दी अवर मेडिसिनल पर्पजेस। ओके और एक यहाँ पे पॉइंट है, द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन अदर होस्ट प्लांट पे इन्फेक्शन होता है इन इट इज द डेवलपमेंट इन द सेक्सुअल स्टेज। इसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल स्टेज भी कहते हैं, जब इन्फेक्शन अदर प्लांट पे स्प्रेड हो रहा है तो इट इज द डेवलपमेंट इन द सेक्सुअल फेज। ओके इसे सेक्सुअल फेज भी कहते हैं। देन यहाँ पे देख लीजिए आप स्क्लेरोटियम कैसा फॉर्म हुआ है, ये एक स्क्लेरोटियम यहाँ पे रहे प्लांट पे क्या हुआ है, ये स्क्लेरोटियम यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इट इज द रेस्ट और डोमिनेंट स्टेज भी कहते हैं इसे, और स्क्लेरोटियम स्टेज भी कहते हैं। अब ये हमें कलेक्ट करना है। अब क्या करेंगे हम, स्क्लेरोटियम डेवलप फर्दर एंड अटेन द मैक्सिमम साइज, उसे डेवलप होने देना है मैक्सिमम साइज उसकी, जब तक अटेंड नहीं होती तब तक उसे डेवलप होने देना है हमें। ओके अब डेवलप होने के बाद दो चीज़ें हम करेंगे। ओके एक तो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा, फॉल ऑन द ग्राउंड अलॉन्ग विद द सीड। कलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, ग्राउंड पे वो फॉल हो जाएगा, उस ग्रेन्स ऊपर के ग्रेन्स से नीचे फॉल हो जाएगा। ये कलेक्ट किए तो हम यूज़ करेंगे एज ए मेडिसिनल प्लांट, उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे केमिकल कंस्टिट्यूट। अगर ये फॉल हो गया अलॉन्ग विद द सीड, देख लीजिए ये क्या है, हमारा स्क्लेरोटियम है। ओके ये क्या होने वाला है, नीचे ग्राउंड पे आने वाला है। जब अगर ये ग्राउंड पे आ गया तब इन द स्प्रिंग, ओके स्प्रिंग सीजन में इन इंडिया मार्च टू अप्रैल गिव्स ए स्ट्रोमेटा। क्या होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होते हैं, देख लीजिए आप, ये क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं दैट गिव्स द, अगर ये जमीन पे फॉल हो गया तो फॉल होने के बाद क्या होता है, ऐसे स्टेज फॉर्म होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा कहते हैं हम। क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा हम उसे कहते हैं। देन नेक्स्ट क्या होता है, द हेड ऑफ द स्ट्रोमा ग्रुप में क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा, सिंगल को स्ट्रोमा, द हेड ऑफ द स्ट्रोमा कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पेरिथिका। इस हेड में क्या होता है, ओके ये जो हेड है इस हेड में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ द पेरिथिका, लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, पेरिथिका होते हैं। ओके ये देख लीजिए आप, ये सिंगल पेरिथिका है, ये सिंगल है, ओके ऐसे लार्ज नंबर ऑफ होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, सैक्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे सैक्स होते हैं, इट कंटेन दी सैक्स, उसके अंदर क्या होते हैं, सैक होते हैं। अब देख लीजिए, द हेड ऑफ दी हेड ऑफ दी स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ सेवरल पेरिथिका। स्ट्रोमा के हेड में क्या है, पेरिथिका है। ओके देन ईच पेरिथिका कंटेन दी सेवरल इलांगेटेड एस्की, हर एक पेरिथिका में सैक है, उसके सैक्स के अंदर क्या है,
ASCII है, ओके, सच ASCII कंटेन एट थ्रेड लाइक एस्कोस्पोर्स। उस ASCII के अंदर क्या है, एट थ्रेड लाइक स्पोर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसे क्या कहते हैं हम, एस्कोस्पोर्स करते कहते हैं, और वही इन्फेक्शन कॉज करता है अनदर ओरी को, वही क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है ओरी को, ओके ठीक है। नेक्स्ट, द एस्कोस्पोर्स कम आउट ऑफ द पेरिथिकम एंड गेट डिस्पर्स्ड बाय द एयर। पेरिथिकम के बाहर आता है और एयर थ्रू क्या होता है, ये डिस्पर्स हो जाता है और दूसरे प्लांट के प्लांट पे जाता है, और दूसरे प्लांट पे जाने के बाद वहाँ के ओहरी को वो क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, और फिर क्या होती है हमारे, फिर से स्टेज चालू होती है, फिर से हमारी स्टेज चालू हो जाती है। जब एस्कोस्पोर्स बाहर आएगा पेरिथिका के, बाहर आने के बाद ये स्प्रेड हो जाएगा एयर में, एयर में स्प्रेड होने के बाद रे प्लांट पे जाएगा, वहाँ के ओहरी पे क्या करेगा, ये फिर से इन्फेक्शन कॉज करेगा, और ये फिर से साइकिल क्या हो जाएगी हमारी, चालू रहेगी। ओके, फेवरेबल कंडीशन आएगी, फिर फेवरेबल कंडीशन विंटर सीजन में आएगी, फिर वहाँ पे हाइपे होगा, वो वॉल ऑफ ओहरी को इन्वर्ट करेगा। ओके, तो ये सभी स्टेज चालू रहेगी, आप पॉज करके वन बाय वन ये स्टेज अच्छी तरह से देख सकते हो। ओके, दिस इज द टू योर टोटल एर्गोट साइकिल। ओके, आपको समझ में आया होगा शायद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स वंस अगेन।